अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमास किचन। आज हम बहुत ही जल्दी फास्ट बनने वाला ब्रेकफास्ट लाए हैं। चले देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ कप मुजरेला चीज़ ली है, कद्दूकश की हुई। दो बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं, अगर आपके पास छोटे अंडे हैं तो आप तीन ले लें। दो अंडे लिए हैं, हाफ कप मैंने ये बॉयल चिकन लिया है। चिकन को बॉयल करते वक्त इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दी थी, और ये मेरे पास मैं पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। आपको भी जब भी ये चीज़ें बनानी हो तो आप ज़्यादा चिकन को बॉईल करके और इस तरह इसको श्रेडेड करके पैकेट बना के रख लें, बहुत ही इजी होगा बनाना। हाफ कप दूध है मेरे पास, ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, ये थोड़ी सी कटी मेरे पास शिमला मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून मेरे पास टमाटर चॉप है और 1 टेबल स्पून प्याज चॉप, और ये 2 से 3 चुटकी काली मिर्च, 2 से 3 चुटकी नमक, 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, और ये मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अंडे तोड़ेंगे हम। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं ये दोनों अंडे तोड़ लूँगी। ये दोनों अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। अब इसमें डालूंगी ये नमक और काली मिर्च, और इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूंगी अंडों को। अब इसमें डाल दूंगी ये हाफ कप दूध, फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब इसको मैं निकाल लूंगी। अब ये जो 2 ब्रेड के स्लाइस मैंने आपको बताए हैं, ये 2 ब्रेड के स्लाइस, इनको हम आप छुरी से या नाइफ से काट लें। इस तरह मैं इसके पीस काट लूंगी, चकोर पीस आप काट लें, इसके क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लें। इस तरह मैं इसके पीस काट लूंगी। अब ये जो 2 ब्रेड के स्लाइस थे, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब ये जो मेरे पास अंडे हैं, ये सारे क्यूब्स इसमें चले जाएंगे। इसको हम इसमें डिप कर देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अंदर अच्छी तरह फूल जाए। इसको 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, ये अब बहुत ही अच्छी तरह इसमें सोख हो गए हैं। अब मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पैन रख दिया ऊपर, फ्राई पैन मैंने छोटे साइज का लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। आँच मैंने इसकी बिल्कुल लो की हुई है, आपने हाई फ्लेम इसकी नहीं करनी, ना इसकी आँच हमने मीडियम करनी है। लो फ्लेम पे ऑयल गरम हल्का सा हो गया, अब इसमें ये सारा बैटर मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको इस तरह हम हला लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। बस इस तरह हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये 2 मिनट हो गए हैं, ये देखें। अब ये देखें, साइडों से आपको नज़र आ रहा है ये कुक हो रहा है। आँच मैंने लो रखी हुई है, बस इसी तरह हम इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। 2 मिनट के लिए मैंने वैसे पका लिया था, 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। अब ये देखें, ये यहाँ में देखें फोमिंग हो गया ये। अब इसको हम पलटेंगे, किसी भी प्लेट की मदद से आप इसको पलट देंगे। इस तरह प्लेट रखें, इस तरह इसको हम पलट देंगे, और फिर दोबारा हम इसी तरह इसमें डाल देंगे इसको, और इसको सेट कर लेंगे। चीज़ें बताते वक्त मैंने आपको ये सॉस का नहीं बताया, ये प्याली मेरी साइड में रह गई है। ये पिज़्ज़ा सॉस है जो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। इस तरह इसके ऊपर हम लगा देंगे, ये इस पर पिज़्ज़ा सॉस लग गई। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आपके पास तो आप इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। ये सारी इसके ऊपर लग गई। अब इसके ऊपर ये जो चिकन बॉयल थी ये चली जाएगी। आँच आपको मैंने पहले ही बताया है कि आँच इसकी मैंने लो रखी हुई है। ये सारी चिकन चली गई इसमें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज डालूंगी, आधी मैंने डाल दी है इसके ऊपर, और इसके ऊपर थोड़ी सी वेजिटेबल्स जाएंगे।
जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहें वो डाल लें। ये थोड़े से कटे टमाटर। अब वेजिटेबल डालने के बाद इसके ऊपर मैं फिर चीज़ डाल दूंगी। हाफ कप मैंने ली है क्योंकि ये हमने छोटे साइज में बनाया है। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो फिर उसके मुताबिक आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दें। बस ये इस तरह चलेगी। इसके ऊपर हल्का सा इसको इस तरह दबा देंगे बस। अब इसके ऊपर थोड़ी सी दो चुटकी के करीब हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप डालना चाहते हैं डालें, वरना इसको रहने दें। बच्चे खा रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी ना डालें। अब इसको मैं ऊपर से करूंगी कवर तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक ये हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। इसको मैंने कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। ये देखिए चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है, जो बहुत ही जल्दी बना है और बहुत ही मज़े का बना है। इसको अब मैं काट के आपको बताती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही यमी और टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब इसको एंजॉय करेंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह।